साउथ जोन पुलिस की जानिब से जुमा के रोज़ बहादुरपुरा पुलिस हदूद में कॉर्डन इन सर्च मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस ने हसन नगर के इलाके में भी तलाशी मुहिम चलाई। इस दरमियान पुलिस ने 8 राउडी शीटर्स, 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि 82 टू व्हीलर्स और 6 फोर व्हीलर्स को जब्त किया गया है। साउथ जोन DCP अंबर किशोर झा ने वजाहत की कि इस तलाशी मुहिम का मकसद दरअसल अफवाह में पुलिस की मौजूदगी और सिक्योरिटी फराहमी के अहतमाद को बरकरार रखना है। इसके अलावा पुलिस ने अपनी तलाशी मुहिम के दौरान एक्सपायर डेट की दवाई के बारे में पता लगाते हुए इसके पसे पर्दा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। 28 तारीख की सुबह 5 बजे से अभी 8 बजे तक हसन नगर में, जो बहादुरपुरा PS लिमिट में आता है, वहाँ पुलिस के द्वारा कॉर्डन सर्च कंडक्ट किया गया। इस कॉर्डन सर्च प्रोग्राम में एडिशनल SP, ACP, एडिशनल DCP, ACP, 15 CI और 350 के करीब हमारे जवानों ने पार्टिसिपेट किया। कॉर्डन सर्च का, जैसा आपको पता है, हमारा मकसद होता है पब्लिक को पुलिस का प्रेजेंस और पुलिस का असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनकी मदद, पब्लिक की मदद करने का जो हमारा इरादा है वो उनको बताना। और इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ 8 राउडी, 3 सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया, उनकी काउंसलिंग भी की गई। 350 टू व्हीलर्स, 82 टू व्हीलर, 6 फोर व्हीलर व्हीकल्स को भी सीज किया गया। एक दवा, जो दवा एक्सपायर्ड दवा थी, उसके दुकान को और उनका लाइसेंस बेचने का जो था वो भी ऐसे दुकान को पकड़ा गया। तो हमारा मकसद ये होता है कि जो भी गैर कानूनी चीज़ें हैं, जो भी जिनको भी कानून का परमिशन नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पब्लिक को बताना, जिससे कि उनका भला हो सके। इसी प्रोसेस के तहत हम लोगों ने ये कॉर्डन सर्च कंडक्ट किया। हमारी कोशिश होगी कि हम इसके माध्यम से, हम इसके जरिए से पब्लिक के और नज़दीक जाएं, पब्लिक को अपना भरोसा बताएं। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी तकलीफ में हो, वो पुलिस के पास आए। हम निश्चित रूप से उनकी जो भी संभव मदद होगी वो जरूर करेंगे।